येवल्यात रमजान ईद निमित्त नमाज पठण हिंदू बांधवांनी दिल्या शुभेच्छा। शुक्रवार सायंकाळी चंद्र दिसल्याने येवल्यात ईद उल फित्र अर्थात रमजान ईद उत्साहाच्या वातावरणात साजरी करण्यात आली। यावेळी शहर काजी सलीमुद्दीन मिजबाही यांच्या उपस्थितीत मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधवांनी ईदगाह मैदानावर सामुदायिक नमाज पठण केले। यावेळी नमाज पठणानंतर एकमेकांची गळा भेट घेत ईदच्या शुभेच्छा देखील यावेळी देण्यात आल्या। हिंदू बांधवांनी देखील मुस्लिम बांधवांना ईद निमित्त शुभेच्छा दिल्या। यावेळी आमदार नरेंद्र दराडे, भुजबळांचे स्वयंसहाय्यक बाळासाहेब लोखंडे, तहसीलदार आबा महाजन, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन खंडागळे, राजेंद्र लोणारी, भोलेनाथ लोणारी, दीपक लोणारी, सचिन सोनवणे, भूषण शिनकर आदींनी शोर काजी यांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। स्टार टू महाराष्ट्र न्यूज साठी साकीर शेख येवला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवलन मैं तमाम हमारे नाज़रीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र की नमाज बड़ी ईदगाह लक्कड़कोट में बड़ी ही तस्कीर के शाम के साथ और बड़ी जमी गफीर के साथ अदा की गई और रब की बारगाह में रमज़ान का शुक्रिया अदा किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहब्बत की सौगात आई है कि तमाम हमारे भाई बरदरान और अहले वतन इसमें हाजिर हुए और इस खुशी में हमारा उन्होंने सहयोग किया। और इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट और नगर पालिका और MECB बोर्ड के जो जिम्मेदारान और अधिकारान हैं इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कदम ब कदम ये भी हमारे साथ में थे और जो भी ज़रूरत हुई उस वक्त में ये हाजिर होकर के ज़रूरत को पूरा किया। और फिर एक मरतबा मैं पूरे अपने अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल फित्र की। सबको ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।